सुनील प्रधान, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। प्रधान जी, आज जो तहसील में धरना दिया है, क्या है प्रोग्राम? प्रोग्राम ये है कि जो सरकार है बिजली का बिल बढ़ाना जा रही है 15-25%, तो उसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया है। जो प्रदेश में हर तहसील पर ये प्रोग्राम रखा गया है और हम उसमें विरोध कर रहे हैं कि बिजली के बिल ना बढ़ाए जाएं, और उसके साथ किसानों की और भी जो भी समस्याएं हैं सभी क्या समाधान के लिए, जैसे गन्ना भुगतान है और एक किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, उसमें 6,000 की मांग की गई है, हम मांग कर रहे हैं भाई 10,000 रुपये हैं। और ऐसी जैसे KCC कार्ड होते हैं कि हमसे सारी मूल रकम जमा ना करा गया, उसका ब्याज जमा करा लिया जाए, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियों का होता है, साल में एक बार ब्याज जमा करा दिया जाए और हमारा खाता भी। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? फिर हाई कमान का जो भी आदेश होगा उसमें देशव्यापी या प्रदेशव्यापी आंदोलन का जो आदेश होगा वो हम आंदोलन जोर शोर से करेंगे, हर पार्ट की लड़ाई लड़ेंगे। किसान ने बिल्कुल कमर कस ली है, किसान किसी भी ग्रुप में पीछे हटने वाला है।